बोथ एन आई सी ओ फोर एंड एन आई सी एन का अल्टरनेट डायमैग्नेटिक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल। आपको ये दिया है दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक है, लेकिन दोनों का क्या निकालना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जरूर चेक करते हैं, ये एन आई सी ओ फोर तो अभी कितनी बार कर लिया हमने, एन आई सी ओ फोर अभी आपको बताया कि ये है निकल जीरो, निकल जीरो है तो ये हो जाएगा 4s2 3d8 जो कि कन्वर्ट हो जाएगा d10 सिस्टम में। d10 का मतलब ये हो गया डाया। अब अंदर के डी पहले से भरे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। और दूसरा स्पीशीज आपको दिया है nicn का होल 4-2, कितना जीता जागता कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का आप लोग जानते होंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया dsp2। निकल है प्लस 2 में, निकल प्लस 2 होता है 4s0 3d8। 4s0 3d8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है, साइनाइड आयन दे रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना देगा, ठीक है। और नेचर में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो एक आएगा sp3 और एक आएगा dsp2, यानी 10th का ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा।